हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा एकेडमी। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ HEN का 101 का, जो है BA फर्स्ट ईयर का, और उसका नाम है स्टडी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न्स 2011 टू 2019 एंड COVID-19 सिचुएशन 2020। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि आपका पैटर्न कैसा है पेपर का, आपको मार्क कितने गेन करने हैं, और अगर कोविड सिचुएशन में आपका एग्ज़ाम होता है तो आप किस तरह अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम HEN जो आपका सब्जेक्ट है 101, उसका पेपर पैटर्न यानी कि उसमें कितने मार्क आपको मिलने हैं और कितने आवर्स में आपको आपका पेपर कंप्लीट करना है, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका ये जो सब्जेक्ट है HEN 101, इसके अंदर आपको दो सब्जेक्ट है, एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। अगर आप दोनों में से एक भी पेपर अच्छे से नहीं कर पाते या फिर कम मार्क ला लेते हैं तो आपका वो पूरा पेपर ही चल जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको यही दो सब्जेक्ट डबल से देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के नाम से। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझें। अब हम बात करते हैं इसके मार्क की। अच्छे तरीके से समझिए, आपके दो पेपर हैं, एक है हिंदी दूसरा इंग्लिश, जो कि एक सब्जेक्ट के टाइटल में है। दोनों को 50-50 मार्क है। 50-50 मार्क कैसे हैं? 20 मार्क जो है आपके इंटरनल मार्क है, ठीक है। तो आपको थ्योरी में कितने मार्क आएंगे? 80 मार्क आएंगे, ओके 80 मार्क। और उसमें आपको आवर्स कितने मिलेंगे? डेढ़, ओके 1.5। दो आंसर शीट मिलेंगे, दोनों के भी 20-20 पेजेस होंगे। तो इस तरह आपको अपने टाइम को ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके, 3 आवर्स को ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके इस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो 20 मार्क है आपके इंटरनल, ये रिलेटेड है स्किल डाउन टेक्निक से। स्किल डाउन टेक्निक का मतलब ये है कि आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा और जो भी आपके असाइनमेंट होंगे उसी को कंसीडर कर जो यूनिवर्सिटी है आपको 20 मार्क में से मार्क देगी। अब वो कितने भी दे सकती है वो उनके हाथ में है। अब पासिंग के लिए हमें कितने मार्क चाहिए? पासिंग के लिए हमें 25-25 दोनों पेपर में चाहिए, इंटरनल मार्क इंक्लूड करके। यानी अगर आप एटलीस्ट 50 मार्क भी लाते हैं तो आपका ये पेपर इजीली निकल जाएगा। अगर ये आपका ये पेपर ऑनलाइन मोड में होता है तो मैंने इससे समझने के लिए यहाँ पर मई 2021 का टाइम टेबल लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 घंटे मिलने वाले हैं, उसमें से 14 जो मिनट होंगे वो आपको 40 मार्क के लिए मिलेंगे, 60 मिनट आपको 60 मार्क के लिए मिलेंगे। यानी कि आपको एक क्वेश्चन करना होगा 1 मिनट में, 1 मार्क के लिए वो क्वेश्चन होगा। आपको बात ध्यान में ये रखनी है कि पहले तो आपको इसके हाफ मार्क लेने ही लेने हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए इस पेपर में, तभी आपका पेपर निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों पेपर जो है वो इक्वल मार्क के हैं और दोनों पेपर आपको एक ही सब्जेक्ट में आने वाले हैं, तो इस बारे में आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। और अगर आपको मई 2021 का जो टाइम टेबल है उस पर कोई अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर अलग वीडियो आपको बनाकर दे दूँगी जिसमें मैं आपको टाइम टेबल की डिटेल दूंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप किस तरह अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करनी चाहिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के वक्त। HEN 101 पेपर पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसका टाइम 1 आवर 30 मिनट्स है और इसे 40 मार्क के लिए है, यानी पूरा पेपर 40 मार्क के लिए है। सेम आपको हिंदी का भी पेपर होगा। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि पूरे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, हर सब क्वेश्चन को 5 मार्क है, हर सब क्वेश्चन को आपको 75-100 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन वो कौन से क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो 75-100 वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सेपरेट पेज पर लिखना है, यानी हर नए क्वेश्चन को आपको सेपरेट पेज से स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 मार्क का रहेगा, जो भी आपका स्ट्रक्चर है पूरे पेपर का वो 40 मार्क का है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको बता दिए गए हैं इस पेपर में। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन, यानी आपको 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 4 सब क्वेश्चन आपको करने हैं और सबको 5 मार्क है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए वाला, वो है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ये जो आपको 5 दिए गए हैं इसके अपोजिट वर्ड आपको लिखने, जैसे गुड का बैड होगा, ओके एम्प्टी का फुल होगा, डाउन का टॉप होगा,
तो ये इस तरह के आपको वर्ड्स लिखने हैं, जिसके आपको कितने मार्क हैं, 5 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी सब क्वेश्चन है वो है ट्रांसफॉर्म द पर्सन इनटू अदर काइंड, यानी कि जो पर्सन वर्ड है इसको आपको ट्रांसफॉर्म लिखना है। और ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क के लिए है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन सी जो है वो है मैच द ग्रुप ए विद द ग्रुप बी, इसके अंदर आपको जोड़ियाँ लगानी हैं और इसको भी एक जोड़ी पर आपको 1 मार्क मिलेगा। यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है। जो सब क्वेश्चन डी है वो है व्हाट इज़ सेंटेंस हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है और इसे 5 मार्क दिए गए हैं। ये आपको 75 to 100 वर्ड्स में लिखना है। ई जो सब क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग प्रॉपर सफिक्स, इसमें ब्रैकेट में आपको सफिक्स दिए गए हैं और आपको वर्ड्स के आगे लगाना है। ओके, तो इसे भी आपको 5 मार्क दिए गए हैं, यानी एक करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पर आपको 1 मार्क मिलेगा और ये भी यूनिट 2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिस पे है सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन। इसमें भी आपको 4 करने हैं, 5 दिए गए हैं, 5 मार्क है हर सब क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो ए है वो है डिस्क्राइब विद द एग्जांपल द टाइप ऑफ सेंटेंस, यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताने हैं, ना कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फिर उसके बाद जो बी है वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स एस्पेक्ट, तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। 75 to 100 वर्ड्स ए और बी दोनों सब क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद जो सी है वो है क्रिएट अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड इन अ गार्डन इन द मॉर्निंग, तो इसमें आपको डायलॉग्स लिखने हैं, कम से कम 6 से 7 डायलॉग लिखिए, इसे भी 5 मार्क है। फिर उसके बाद जो डी सब क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर एन अप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन होटल ताज नागपुर, इसको भी 5 मार्क है और ये एक अप्लीकेशन लेटर लिखना है, ओके, मैनेजर के पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद जो ई सब क्वेश्चन है वो है राइट मराठी मीनिंग ऑफ द फॉलोविंग, इसमें आपको मराठी मीनिंग लिखने हैं, लेकिन आप उर्दू मीडियम के हैं स्टूडेंट तो आप उर्दू मीडियम लिखिए, मराठी मीडियम के स्टूडेंट मराठी लिखेंगे, तो इसमें आपको मीनिंग लिखने हैं, ठीक है, एक्सेप्ट प्रिपेयर चेक, ठीक है, इन सब का। इसको भी कितने मार्क है, 5 मार्क है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कि हाउ वी गेट अ गुड मार्क, हम अच्छे मार्क कैसे लेंगे, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दिए हैं, वो आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए तभी आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। तो सबसे पहले है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छी तरीके से पढ़िए, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखिए, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे रखें, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, टाइम मैनेजमेंट करें दोनों पेपर के दरमियान, क्योंकि आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा, इस वजह से आपको अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ रहा है, जो भी आंसर आप लिखेंगे उसे सिस्टमेटिक लिखिए। मार्क जो है वो क्वेश्चन पेपर के तभी कंसीडर कीजिए जब आप उसका आंसर लिखेंगे, यानी जितने क्वेश्चन को मार्क होंगे उतना ही आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो वर्कबुक की और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में भी ईजी जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होने से आप पेपर भी अच्छे तरीके से और जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। अब बात आती है कोविड-19 सिचुएशन की। जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 में बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इसीलिए अब 2021 में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न पर हो, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन पेपर आते टाइम पे कि आपको कितने मार्क है, कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर है और कितना टाइम आपको दिया गया है और आप कितने टाइम में आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कीजिए, फिर उसके बाद ही आप 4 ऑप्शंस को रीड कीजिए, जो भी 2 ऑप्शन आपको करेक्ट लगते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए और फिर उसी 2 में से 1 को करेक्ट जो भी आपको लगता है उसे फिल कीजिए। तो इस तरह आपका जो है वो अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व हो सकता है पूरे क्वेश्चंस के साथ। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करें, पहले एक क्वेश्चन लें उसे अच्छी तरीके से रीड करें, जब तक आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में ना आए उतनी बार आप उसे रीड कीजिए। फिर उसके बाद आप उसके ऑप्शन देखिए यानी आंसर को चेक कीजिए, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो 2 जो ऑप्शन करेक्ट आपको लगते हैं या जो रिलायबल लगते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर उन दोनों में से किसी एक को लेकर उसी टाइम पर आप जो राउंड है उसे फिल कीजिए, यानी जब क्वेश्चन पढ़े तभी आप उसका आंसर जो है उसे फिल करें, फिर उसके बाद ही आप सेकंड क्वेश्चन को हाथ लगाएं। तो इस तरह जो है आपका पेपर भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा और टाइम पर सॉल्व होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ ऑप्शन लेते हैं कि लास्ट में पूरे जो राउंड से वो फिल करते बैठेंगे
पेपर पे क्लिक करने के बाद, तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं, सीरीज़ रॉन्ग हो जाती है। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि जब भी क्वेश्चन पढ़े और तभी उसका ऑप्शन फिल कर दें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अच्छे मार्क एग्ज़ाम में ले सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बिकॉज मोर वी शेयर मोर वी हैव। और लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।